नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 11 और 12 जून के करंट अफेयर्स। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट वंस कवर कर लिए हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फर्स्ट है, हु डेवलप्स द कोरो रोबोट विच सर्व्स फूड, वाटर एंड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स इन थाने। कहते हैं कि कोरो रोबोट नाम का एक रोबोट किसने डेवलप किया है जो कोविड-19 पेशेंट्स को थाने में फूड, वाटर और मेडिसिन सर्व करेगा। आंसर है प्रतीक तिरोडकर, जो कि एक इंजीनियर है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया टू लॉन्च फर्स्ट एवर डैश ट्रेडिंग एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी और एनर्जी। इंडिया कौन सा ऐसा अपना ट्रेडिंग एक्सचेंज सबसे पहला लॉन्च करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी और एनर्जी। आंसर है कोल। India will launch its first ever coal trading exchange। जैसा कि आपको बताया कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, ठीक है, और इसने डिसाइड किया है कि वो अपना एक फर्स्ट कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सॉर्ट ऑफ कोल एक्सचेंज लॉन्च करेगा, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स और बायर्स इकट्ठे हो सकते हैं और कोल की ट्रेडिंग कर सकते हैं एज अ कमोडिटी। ओके, द कोल मिनिस्ट्री इज़ लाइकली टू इनिशिएट ऑक्शंस ऑफ अबाउट 50 कोल ब्लॉक्स फॉर कमर्शियल कोल माइनिंग ऑन जून 11। और जो कोल मिनिस्ट्री है वो अभी ऑक्शन स्टार्ट करने वाली है 50 कोल ब्लॉक्स की फॉर कमर्शियल कोल माइनिंग 11 जून को। ओके, प्रेजेंट कोल मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। और आपके ये जो CIL है उसने एक प्रोडक्शन टारगेट बनाया है 1 बिलियन टन कोल प्रोड्यूस करने का बाय 2024। ओके, नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड मालपेस सेड ग्लोबल इकोनॉमी विल श्रिंक बाय -% दिस ईयर ड्यू टू द मैसिव शॉक ऑफ द कोरोना वायरस पैंडमिक। कहते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम डेविड मालपास है, उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अभी श्रिंक कर जाएगी कितने परसेंट से इस साल, ड्यू टू द मैसिव शॉक ऑफ द कोरोना वायरस पैंडमिक, कोरोना वायरस की वजह से। तो आंसर है 5.2%। ओके, वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू S&P रेटिंग्स इंडियन इकोनॉमी विल श्रिंक बाय डैश इन फाइनेंशियल ईयर 21। S&P की रेटिंग्स के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी कितने परसेंट से श्रिंक कर जाएगी? आंसर है 5%। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक हैज़ ग्रांटेड रुपीज़ 1950 करोड़ टू विच स्टेट टू कॉम्बैट कोविड-19। वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ किस स्टेट को दिए हैं टू कॉम्बैट कोविड-19 से लड़ने के लिए? आंसर है वेस्ट बंगाल। जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक ने उनको इतने करोड़ का लोन दिया है फॉर टैकलिंग कोरोना वायरस सिचुएशन एंड डेवलपमेंटल वर्क, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और कुछ डेवलपमेंटल वर्क के लिए। उसमें से 1100 करोड़ तो उन्होंने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो खर्च करेंगे और 850 करोड़ सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए खर्च करेंगे, अकॉर्डिंग टू CM ममता बनर्जी। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज बाय। आंसर है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। इंडिया का ऐसा पहला वर्चुअल बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड फेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया, EPCH ने, और ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और ये जो फेयर है वो 4 दिन तक चला ऑनलाइन, जिसका जो फोकस जो मार्केट्स थी वो यूरोप और US की थी। ओके, नेक्स्ट, पुणे हैज़ डेवलप्ड अ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे टू कॉम्बैट कोविड-19 बाई डिस इन्फेक्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज नेम्ड वॉट। पुणे हैज़ डेवलप्ड, मतलब पुणे ने एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्प्रे, जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है, वो डेवलप किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, जो हर तरह के सर्फेस को डिसइंफेक्ट कर देता है। मतलब बिल्कुल, जो मान लो वहाँ पे कुछ वायरस का इन्फेक्शन है भी, तो बिल्कुल एकदम सभी तरह के सर्फेसेस को वो डिसइंफेक्ट कर देता है। उसका नाम क्या है? आंसर है अनन्या। ये वाटर बेस्ड स्प्रे है जो 24 घंटे तक इफेक्टिव रहेगा। ओके, और ये किसी के भी द्वारा यूज़ किया जा सकता है, दिस कैन बी यूज्ड बाय एनीवन। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ हाइक्ड
customs duty on bamboo imports by agarbatti manufacturers from 10% to dash with immediate effect. Union government ने custom duty को high कर दिया है, हाई कर दिया है ऑन बैम्बू इंपोर्ट्स, बैम्बू के इंपोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटी को हाई कर दिया है, ठीक है, कितने परसेंट से, 10% से सीधा 25% पे ला दिया। क्यों किया उन्होंने ये सब? ताकि डोमेस्टिक बैम्बू को इंकरेज किया जा सके अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, ठीक है। और ये क्या होगा कि अगर हम इम्पोर्ट कम करेंगे तो ये आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देगा, ओके। और आत्मनिर्भर भारत के लिए गवर्नमेंट ने कितना फंड एलोकेट किया है? 20 लाख करोड़। नेक्स्ट, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इशूज डिस्टिंक्ट कलर बैंड फॉर नंबर प्लेट स्टिकर फॉर BS6 व्हीकल्स। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ना स्टिकर्स, नंबर प्लेट स्टिकर्स इशू किए हैं जो BS6 व्हीकल्स होंगे। ये जो न्यूज़ है ये PIB से ली है, ठीक है। और जैसे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैज़ मैंडेटेड अ स्ट्रिप ऑफ ग्रीन कलर ऑफ 1 सेंटीमीटर विड्थ ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टिकर कैरिंग डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर BS6 व्हीकल्स ऑफ एनी फ्यूल टाइप। कहते हैं जो एग्जिस्ट, जो मतलब पहले स्टिकर लगे हुए थे ना जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था BS6 व्हीकल्स का, उसके ऊपर ही अब ग्रीन कलर की 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लग जाएगी, चाहे वो व्हीकल किसी भी फ्यूल टाइप का हो, ओके। नेक्स्ट, अगर तो व्हीकल पेट्रोल या CNG है, ठीक है, और तो उस पर ब्लू कलर का स्टिकर लगेगा, और अगर डीजल बेस्ड व्हीकल है तो उस पर ऑरेंज कलर का स्टिकर लगेगा। BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स हैव बीन मैंडेटेड बाय 1 अप्रैल 2020। BS6 एमिशन जो मतलब BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो 1 अप्रैल 2020 से मैंडेटेड कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अमेंड्स 65 ईयर्स ओल्ड काउ स्लॉटर एक्ट ऑफ स्टेट। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 65 साल पुराना काउ स्लॉटर जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया है, संशोधन किया है। वो क्या है? मतलब काउ स्लॉटर एक्ट होता है जिसमें जो गायें होती है ना उनको मारना वारना नहीं है, तो उसमें कुछ और अमेंडमेंट किया इन्होंने। तो इसमें क्या है कि जो काउ स्लॉटर प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 2020 एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया है। इसमें क्या होगा कि मतलब उन्होंने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इसमें निकाले हैं टू स्टॉप काउ स्लॉटर इन द स्टेट। उसमें पनिशमेंट क्या होगी? मैक्सिमम 10 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। नेक्स्ट, नेम द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म विच हैज़ पार्टनर्ड विद ICICI लोम्बार्ड टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल इंश्योरेंस एंड डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस। तो आंसर है फ़ोनपे। कौन सा ऐसा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने ICICI लोम्बार्ड के साथ मिलकर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल इंश्योरेंस और डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस लॉन्च किया है? आंसर है फ़ोनपे। नेक्स्ट, फाइंड द डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी विच हैज़ पार्टनर्ड विद UNDP HCCB फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नेम पृथ्वी। कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने UNDP और HCCB के साथ मिलकर है ना प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पृथ्वी लॉन्च किया है? आंसर है रिसाइकल। और देखो रिसाइकल की स्पेलिंग क्या है? RECYKAL, ओके। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और HCCB का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, ओके। और प्रोजेक्ट पृथ्वी क्या है? एक जॉइंट इनिशिएटिव है फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन द कंट्री, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट का सस्टेनेबली मैनेजमेंट करना ही प्रोजेक्ट पृथ्वी का उद्देश्य है। नेम द मोबाइल ऐप विच वॉज डेवलप्ड बाई IIT गुवाहाटी स्टूडेंट फॉर सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल। कौन सा मोबाइल ऐप IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है ताकि वो कॉन्टैक्टलेस एयर ट्रैवल में हेल्प कर सके? आंसर है FlyZee। इस मोबाइल ऐप का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप मतलब जो आपके मतलब कस्टमर्स हैं वो कॉन्टैक्टलेस बोर्डिंग कर सकें, ईजिली बैगेज ड्रॉप हो सके, मैनेजेबल पार्किंग हो सके और बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस भी रहे, ओके। नेक्स्ट, इंडिया एश्योर टू रिकंस्ट्रक्ट 56 स्कूल्स इन विच कंट्री। इंडिया ने कौन से देश को ये आश्वस्त किया है कि वो वहाँ पर 56 स्कूल रिकंस्ट्रक्ट करवाएंगे? आंसर है नेपाल। इंडिया की एम्बेसी ने
और सेंट्रल लेवल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो CLPIUU है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है नेपाल के, उन्होंने 7 MOU साइन किए हैं कि वो रीबिल्ड करेंगे 56 हायर सेकेंडरी स्कूल्स को, कहाँ कहाँ पे, गोरखा, नुवाकोट, धडिंग, दोलखा और आपका रामचाप, सिंधुपाल चौक, डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल, वहाँ पे 56 स्कूल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इसमें इंडिया उनकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हैव डेवलप्ड अनन्य नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे टू फाइट COVID-19। वेयर इज डैट लोकेटेड? जो डिफेंस इंस्टीट्यूट है एडवांस टेक्नोलॉजी का, उन्होंने एक अनन्य नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो हमने अभी भी पढ़ा था, अब डैट कहाँ लोकेटेड है, मतलब ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है पुणे। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज ऑनर्ड विद नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल रिसेंटली? किसको नासा की तरफ से डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल रिसेंटली दिया गया है? आंसर है रंजीत कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नाबार्ड प्रोवाइडेड हाउ मच स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू आसाम ग्रामीण विकास बैंक इन द वेक ऑफ COVID-19 पैंडमिक टू सपोर्ट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर्स? नाबार्ड ने कितना प्रोवाइडेड, हाउ मच स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, मतलब कितना फंड दिया यार आसाम ग्रामीण विकास बैंक को COVID-19 की वजह से, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है फार्मर्स की उसको सपोर्ट कर सके। ठीक है, किसको दिया है नाबार्ड ने? आंसर है 270 करोड़ आसाम ग्रामीण विकास बैंक को दिया है नाबार्ड ने। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच कंट्री ऑन June 8, 2020 डिक्लेयर्ड इटसेल्फ COVID-19 फ्री फॉलोइंग द रिकवरी ऑफ इट्स लास्ट पेशेंट? कौन सा देश है भाई जिसने 8 जून को ये डिक्लेयर कर दिया कि वहाँ पे कोई भी कोरोना का बंदा नहीं है? आंसर है न्यूजीलैंड, एंड इट इज़ वेरी रिमार्केबल फेट। ओके, न्यूजीलैंड ने ये डिक्लेयर किया है कि उनके देश में अब कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द IIFL फाइनेंस? कौन, किसको अभी IIFL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है? आंसर है रोहित शर्मा। और IIFL फाइनेंस एक NBFC है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इंडिया की लीडिंग कंपनी। अब यूनियन HRD मिनिस्टर हैं जो हमारे श्री रमेश पोखरियाल, उन्होंने वर्चुअली इंडिया रैंकिंग्स 2020 को रिलीज़ किया है फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन न्यू दिल्ली टुडे। ओके, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने अभी अभी इंडिया रैंकिंग्स 2020 को वर्चुअली रिलीज़ किया है। इसमें क्या होगा कि जो बहुत IITs हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, उन सबको रैंकिंग दी है और उसमें एक नई कैटेगरी उन्होंने इस साल ऐड करी है, उसका नाम है डेंटल कैटेगरी। ठीक है, पहली बार इंडिया रैंकिंग्स 2020 में, जैसे कि इंजीनियरिंग में IIT मद्रास ने फर्स्ट पोजीशन रिटेन रखी है अपनी, और आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, उसने यूनिवर्सिटी लिस्ट को टॉप किया है। अहमदाबाद ने मैनेजमेंट कैटेगरी में टॉप किया है। मिरांडा कॉलेज रिटेन्स फर्स्ट पोजीशन अमंग कॉलेजेस फॉर 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। डेंटल कैटेगरी में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है दिल्ली में, उसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है। तो ये जो रैंकिंग है, जो HRD मिनिस्टर ने कहा है कि ये रैंकिंग हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑन वेरियस रैंकिंग पैरामीटर्स एंड आइडेंटिफाई गैप्स इन रिसर्च एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि ये सब रैंकिंग्स उनको हेल्प करती हैं बहुत सारे पैरामीटर्स में, और बहुत सारे गैप्स जो रिसर्च वगैरह में है या किसी और चीज़ में, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है और इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करती है। ओके, तो ये सब आप एक बार देख सकते हैं, ये सब PIB के न्यूज़ हैं। नेक्स्ट, एनुअल अलॉटमेंट ऑफ ₹ टू स्टेट गवर्नमेंट्स मेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फॉर द ईयर 2020-21। कहते हैं कि एनुअल अलॉटमेंट कितना किया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही एक कंपोनेंट है, PMKSY PDMC, PADMC का मतलब है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, 2020-21 के लिए कितना फंड अलॉट किया गया है? आंसर है 4000 करोड़। और ये किस चीज़ पे फोकस करेगा? इट विल फोकस ऑन इन्हेंसिंग वाटर यूज़ एफिशिएंसी एट फार्म लेवल थ्रू
वाटर की वाटर को यूज़ करने की एफिशिएंसी को इन्हांस करेगा फार्म लेवल पे, कैसे? थ्रू माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज लाइक ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स, ठीक है। अब ड्रिप माइक्रो इरिगेशन टेक्निक जो होती है वो सिर्फ हमें वाटर सेव करने में हेल्प नहीं करती, बट ऑल्सो इन रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर यूसेज, लेबर एक्सपेंसेस एंड अदर इनपुट कॉस्ट। ओके, माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस ऑफ रुपीज डैश ऑल्सो क्रिएटेड विद नबार्ड फॉर स्पेशल एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स एंड इंसेंटिवाइजिंग माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन फंड भी क्रिएट किया गया है नबार्ड के द्वारा फॉर स्पेशल एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, और इंसेंटिवाइज करना माइक्रो इरिगेशन के लिए। कितने का है वो फंड? आंसर है 5,000 करोड़। ये भी नाबार्ड ने क्रिएट किया है, और इस फंड का जो उद्देश्य है वो ये है टू फैसिलिटेट द स्टेट्स इन मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंडिंग कवरेज ऑफ माइक्रो इरिगेशन बाय टेकिंग अप स्पेशल एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो फॉर इंसेंटिवाइजिंग माइक्रो इरिगेशन बियॉन्ड द प्रोविजंस अवेलेबल अंडर PMKSY PDMC, ताकि फार्मर्स को इनकरेज किया जा सके टू इंस्टॉल माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट, क्वालिटी काउंसिल ने अभी वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे को सेलिब्रेट किया है। कब किया है? 9 जून को। इसका थीम है एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी एज डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम, ठीक है। तो इसके क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो, उनका नाम है मिस्टर आदिल जैनुल भाई। इन्होंने अपने एड्रेस में ये एम्फेसाइज किया है कि एक्रीडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, बट इसका जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विसेज को इम्प्रूव करना इन फूड सेक्टर एज वेल एज अदर एरियाज, ठीक है। तो यही है टू हेल्प इम्प्रूव क्वालिटी इन फूड सर्विसेज इन इंडिया। 9 जून को ये दिन मनाया जाता है और थीम है एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। नेक्स्ट है NCERT एंड डैश डिजिटली साइन MOU फॉर e-लर्निंग कंटेंट टेलीकास्ट फॉर क्लास 1-12 ओवरऑल NCERT TV चैनल्स। NCERT ने और इसने मिलकर एक MOU साइन किया है फॉर e-लर्निंग कंटेंट टेलीकास्ट ऑफ क्लास 1-12 ओवरऑल NCERT TV चैनल्स। आंसर है रोटरी इंडिया। रोटरी इंडिया और NCERT ने मिलकर एक MOU साइन किया है, जिसमें क्या होगा कि क्लासेस दी जाएंगी सभी NCERT TV चैनल्स पर क्लास 1-12 तक की, और इसमें जो मटेरियल होगा वो हाई क्लास होगा और वेरी हाई क्वालिटी का होगा। तो इससे जो MHRD है उनका ये मतलब उद्देश्य है कि कैसे एडुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को इंटेग्रेट किया जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं एंड स्वयं प्रभा, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इनोवेशन एंड डिजिटाइजेशन इन एजुकेशन। ओके, तो इसके लिए क्या होगा कि ये उसको भी फुलफिल करेगा जो प्रधानमंत्री का है विजन, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, तो बस इसमें है कि बच्चों को इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, बस उनको अपना ये जितने भी आपका जैसे ये DD न्यूज़ वगैरह इस टाइप के चैनल्स पे ये दिखाया जाएगा, ये जो क्लासेस होंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे अब लॉकडाउन के टाइम में इजीली पढ़ सकेंगे, हाई क्वालिटी मटेरियल एक्सेस कर सकेंगे, और देर इज़ नो इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी अवेलेबल एंड दिस MOU इज़ अ बिग स्टेप इन दैट डायरेक्शन। ही होप दैट थ्रू दिस MOU क्वालिटी एजुकेशन विल रीच टू स्टूडेंट्स, मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा बच्चों को, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं तो। ओके, तो आंसर है रोटरी इंडिया। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स फर्दर एक्सटेंडेड टिल। मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की जो वैलिडिटी है वो फिर से एक्सटेंड कर दी गई है, कब तक? आंसर है 30th September 2020 तक। ओके, नेक्स्ट है अ स्टेट ऑफ द आर्ट टिश्यू कल्चर लैब विल बी एस्टेब्लिश्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ऑफ दीज क्रॉप्स। कहते हैं कि एक टिश्यू कल्चर लैब को एस्टेब्लिश किया गया है फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ऑफ दीज क्रॉप्स। कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए किया गया है? आंसर है सैफरन और हींग। हींग को हम इंग्लिश में एसोफेटिडा बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपके स्पाइस हैं, ये एनुअल जो सैफरन है ना, उसकी हर साल जो एनुअल डिमांड है वो 100 टन्स पर ईयर है, बट इसकी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कम से कम 6-7 टन पर ईयर है। तो इसलिए क्या होता है कि हमको बहुत सारा सैफरन इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से,
और सिमिलरली हींग की भी कोई प्रोडक्शन नहीं है, इसलिए हमको 1200 टन हींग जो कि ऑलमोस्ट 600 करोड़ का होता है अफगानिस्तान ईरान और उज़्बेकिस्तान जैसी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए इन्होंने एक कल्चर लैब स्टेट में ही इस्टेब्लिश करने का डिसाइड किया ताकि हम अपने देश में ही इसको मतलब इसकी प्लांट प्रोडक्शन करें, ये दो जो आपके स्पाइसेस हैं सेफ्रन और हींग, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो हमारा है आत्मनिर्भर भारत उसको भी थोड़ा बढ़ावा मिलेगा और हमें इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा जिससे देश को ही फायदा होगा। ओके नेक्स्ट, हु चेयर द कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फिनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट इन इंडिया, किसने इस कमेटी को चेयर किया है ऑन डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फिनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट इन इंडिया। आंसर है हर्षवर्धन। ओके सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।